मौजूद मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, यहां पर मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हम सबके चहेते नेता, अजीमुशान शख्सियत, नौजवानों के नेता, किसानों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी आ चुके हैं, तो समय बहुत कम है, मेरी बात सुन लीजिए। मैं एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करना चाहूंगी। उसूलों पे आ जाए, उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो अगर तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और ये सारे युवा, ये सारे लोग, ये किसान जो आज इकट्ठा हुए हैं, ये अपनी जिंदा दिली का सबूत दिखा रहे हैं। ये आवाजें, ये गूंजें बता रही है कि बदलाव होने जा रहा है और बदलाव बहुत जल्द होगा। 2012 से लेकर के 2017 तक का वो दौर याद करिए जब विकास की गंगा बह रही थी। अभी हमारे अब्दुल हफीज भाई बता रहे थे सड़कों के बारे में, तो आपको याद होगा कि किस तरह से ऐतिहासिक विकास हुआ था। पटियाली विधानसभा की सड़कें याद करिए, ये सोरों से सहावर से होता हुआ पटियाली तक जो रोड जा रहा है, इसको याद करिए। कादिरगंज पुल की बात करिए, हर तरफ विकास की गंगा बह रही थी। हफीज भाई कह रहे थे ये जो नहर वाला रोड है इसके लिए नारा लगाओ जोरों से, देश बचाओ जोरों से। याद होगा कि ये एलजी अखिलेश यादव, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, ये जो एलजीसी पटरी वाली रोड थी, ये समाजवादी पार्टी के सरकार में स्वीकृत हो गई थी, और ये स्वीकृत होने के बाद इस पर काम रोक दिया गया। और अब मैं फिर कहती हूँ कि समाजवादी पार्टी ही इस रोड को बनवाएगी। विधायक जीनत खान जी द्वारा ये प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका था। आज कि हर इंसान परेशान है, बेरोजगार हो रहा है हमारा नौजवान। अखिलेश यादव जिंदाबाद। आप स्थिति को देखिए, और स्थिति को देखते हुए, हालातों की नाजुक देखते हुए हमें ये फैसला लेना है कि एक एक वोट कितना इंपॉर्टेंट है। एक एक वोट सिर्फ विकास के लिए और अखिलेश यादव जी के लिए डालना है। और पीछे से बोला जा रहा है बहुत जल्दी है, और यादव अखिलेश यादव जी आ चुके हैं, तो अपने नेता का आप लोग स्वागत करिए। और मैं आखिरी शेर के साथ बस यही आपसे वोटियों की विनती करूंगी कि एक एक वोट साइकिल का बटन दबाकर देवेश शाह के जी को दे दीजिएगा, और खास तौर से पटियाली विधानसभा अखिलेश यादव, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, नारा लगाओ जोरों से, नारा लगाओ जोरों से, जो सरकार निकम्मी है। बोलने दोगे? जो सरकार निकम्मी है। गलत बात है, गलत बात है, माइक उधर से बंद करिए, गलत बात है। चलिए, शायद कुछ लोग चाह रहे हैं इधर में कि मैं बोलूं ना, कोई बात नहीं, मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगी। हालात बदलने में अब देर नहीं है, कुदरत के उसूलों में उलट फेर नहीं है। आगाज ने अंजाम से हंसकर ये कहा, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। जय हिंद, जय समाजवाद।